गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम एक प्रूफ करेंगे जिसमें कि हम जानेंगे 1 न्यूटन पर mm² = 10 kg/cm² किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से होता है। ये हम प्रूफ करना सीखेंगे। ये हम प्रूफ करना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब हम ट्यूब का टेस्ट करते हैं तो हमको जो यूनिट मिलती है वह न्यूटन पर mm² में मिलती है, ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं kg/cm² में, तो उसको हम सीख रहे हैं, ठीक है। आइए मेरे साथ बने रहिए, देखिए इसको किस प्रकार से। सेंटीमीटर स्क्वायर
तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हम यह जानते हैं कि 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सपोज कि हमने क्यूब का टेस्ट किया है ना, और हमें रिजल्ट मिला आफ्टर 28 डेज कितना मिला, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट किया केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपको साइड में हो रहा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस प्रकार से हम कन्वर्ट करें, सिंपली हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास यूनिट है, समझ रहे बात। ठीक है, तो ये हमारा क्या था प्रूफ का, आप समझ चुके होंगे। और यदि आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।